काफी सही है भाई, अच्छी लाइट आ रही है। तो गाइस बहुत दिनों के बाद फिश कैम वीडियो के साथ फिर से आ चुका हूँ। और हाँ, आज मैं घर के अंदर शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक सॉफ्ट बॉक्स, क्योंकि भाई आज से थोड़ा बहुत वीडियो में घर के अंदर शूट करूंगा, तो इसलिए तो मुझे सॉफ्ट बॉक्स की जरूरत है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक सॉफ्ट बॉक्स खरीद लेना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार सॉफ्ट बॉक्स खरीद कर फायदा ही क्या, जब हम सॉफ्ट बॉक्स को घर पर ही बना सकते, वो भी सस्ते में। और फिर मैंने सोचा कि आप में से बहुत सारे लोग तो यूट्यूबर्स होंगे या फिर दूसरे किसी सोशल मीडिया पर आप वीडियो डालते होंगे, तो आपको भी तो एक अच्छी वीडियो क्वालिटी के लिए आपको भी तो एक सॉफ्ट बॉक्स की जरूरत होगी, है ना। तो इसलिए आज हम सॉफ्ट बॉक्स बनाएंगे और आपको भी बताएंगे कि किस तरह से आप भी घर पर बहुत आसानी से, भाई बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप सॉफ्ट बॉक्स बना सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक करना। तो चलो देर की इस बात की स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारी जो डायग्राम, मतलब कि हमारी जो सॉफ्ट लाइट बनेगी उसकी डायग्राम कुछ ऐसी होगी। तो यह सही आ तक मैंने ली है 34 सेमी और हाइट ली है मैंने 16 सेंटीमीटर और यह सही आ तक ली है मैंने 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और अभी इस चीज़ को एक कार्डबोर्ड के ऊपर ड्रॉ करना होगा और उसके बाद इसको काट देना होगा और काटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और ऐसा ही आपको 4 पीसेस चाहिए, ठीक है। और फिर आपको चाहिए एल्युमिनियम फॉइल या फिर सिल्वर पेपर, तो मेरे पास तो अभी वो नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ इस तरह से एक थाली का यूज़ कर रहा हूँ जिसके ऊपर सिल्वर फॉइल चिपकी हुई है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर, मतलब इस कार्डबोर्ड के ऊपर इसको चिपका देंगे और चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और ऐसा ही हमें बाकी के साथ भी करने हैं। अभी हम इन दोनों पीसेस को सेलो टेप की सहायता से चिपका देंगे। और अभी हमको एक और पीस चाहिए और इसको भी इसके साथ फिक्स कर देंगे, यानी कि चिपका देंगे, वो भी सेलो टेप के सहायता से। और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अभी हम एक और पीस लेंगे और इसको भी इन दोनों पीसेस के साथ चिपका देंगे। और अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए जो कि बॉक्स शेप का होनी चाहिए और इसके बीच में देखो कि मैंने एक छेद कर दी है, ठीक है। तो अभी इसको चिपका देंगे इसके ऊपर। तो ये अभी बनके रेडी हो चुका है अंदर की हिस्सा। अभी आपको चाहिए एक होल्डर, ठीक है, बल्ब होल्डर। और इसको हमने जो छेद करी है उसके अंदर इस चीज़ को डाल देंगे। तो अभी आपको चाहिए 5 वाट के एक बल्ब और इस चीज़ को थोड़ा सा अंदर डाल देंगे और फिर हमारी जो सॉफ्ट बॉक्स है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं अभी आपको एक बार जला के भी दिखा देता हूँ, तो आप देखो कि जल रहा है। लेकिन यार ये सॉफ्ट लाइट नहीं है। सॉफ्ट लाइट बनाने के लिए हमें इसके ऊपर बस एक ही चीज़ चाहिए और वो है ट्रेसिंग पेपर, यानी कि ट्रेस पेपर। तो कई सारे ट्रेसिंग पेपर को आपस में चिपकाने के बाद हमने एक बड़ी सी ट्रेसिंग पेपर की शीट बना ली है और इसको हमारे सॉफ्ट बॉक्स के ऊपर चिपका देंगे। ये पर्दा जैसा काम करेगा और चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये दिखने में एक रियल सॉफ्ट बॉक्स की तरह ही दिख रहा है। कुछ इस तरह से दिखती है एक सॉफ्ट बॉक्स और भाई ये असली दिख रहा है भाई। तो अभी मैं आपको इसको जला कर दिखाता हूँ और देखना कि किस तरह से ये जल रहा है। तो 1, 2 एंड 3 और भाई देखो, वाह। तो आसपास की लाइट को मैं बंद कर देता हूँ और अभी आपको जो दिख रही है ये, तो अभी आपको जो दिख रही है ये सिर्फ सॉफ्ट बॉक्स की लाइट से ही दिख रही है। बढ़िया है, बहुत अच्छी लाइट आ रही है। तो गाइस उम्मीद करते हो कि आपको आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बगल में घंटी आएगी उसको भी दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन सेट कर देना, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।